नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यवतमाल जिले में ईद उल फितर के मौके पर फूल देकर दी शुभकामनाएं। इस्लाम धर्म के पवित्र रमज़ान महीने में पूरे रोजे रखने के बाद 16 जून को पूरे देश में ईद मनाई गई। इस ईद उल फितर का इस्लाम धर्म में बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति पूरे एक महीने तक रोजे रखता है और भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की प्रार्थना करता है, साथ ही उसके आदेश का पालन करता है। वह कोई बुरा काम नहीं करता है और पवित्रता के साथ जीवन जीता है, तो यह उसकी आदत में शुमार हो जाती है। इससे वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है। जो शख्स पवित्र रमज़ान महीने के पूरे 30 रोजे रखता है, उसके लिए ईद का दिन बहुत खुशी का होता है। हर रोज़ेदार का ईद के दिन अल्लाह उसके अपराध और गलतियों को माफ़ कर देता है। पूरे देश की तरह यवतमाल ज़िले में भी 16 जून को ईद का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर यवतमाल ज़िला पुलिस की ओर से जगह जगह मुस्लिम समाज के लोगों को गुलाब के फूल दिए गए। पुसद शहर में IPS अजय कुमार बंसल, थाना प्रभारी धनंजय सायरे, थाना प्रभारी ठाकुर, ट्रैफिक PI धीरज चौहान, वरिष्ठ पत्रकार ललित शेता और प्रकाश शाम ने गुलाब के फूल देकर मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभेच्छा दी। बहुत ही पवित्र समझा जाता है। इस मुबारक दिन में मैं दिल के गहराइयों से सभी भाइयों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिन ऐसा दिन है जो दिलों को वसी करना और दिलों को जोड़ना और आपस में मोहब्बत कायम रखना, हर एक के अंदर, हर एक समाज के अंदर, सब के अंदर एक मिलाप पैदा करने के वास्ते, एकता पैदा करने के वास्ते ये दिन मुबारक आया है मेरे मोहतरम भाई। इसलिए मैं इसकी खुशी आप सबको और इसकी मुबारकबाद आप सबको देना चाहता हूँ। इनाम होता है अल्लाह की ओर से बंदों के लिए, तो आपको मैं बधाई देता हूँ ईद की और इंशाल्लाह आपको भी इसका अजर मिल जाएगा जो आपने रोजे देता हूँ। सारे मुसलमान और हिंदू भाइयों को मुबारक साथ दिए। यवतमाल से सैयद मुजीबुद्दीन, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।